देश के गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह मुजफ्फरपुर में पताही हवाई अड्डा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पिछले 50 दिनों में अमित शाह का ये दूसरा बिहार दौरा है। इससे पहले 16 सितंबर को उन्होंने मधुबनी के झंझारपुर और अररिया में एक जनसभा को संबोधित किया था। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद अमित शाह का ये पहला बिहार दौरा है। इधर कार्यक्रम स्थल का दौरा करने पहुंचे बिहार के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि जनसभा एक संदेश उन विकृत सोच वाले लोगों के लिए होगी जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो अपराधी को संरक्षण देते हैं और जो तुष्टीकरण की राजनीति से उन्माद पैदा करते हैं। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री बिहार आते हैं, आए अच्छी बात है, मगर झूठ ना बोलें, इससे सच्चे सनातनियों का अपमान होता है। केंद्र की मोदी सरकार ने रोजगार के नाम पर बिहार के युवाओं को धोखा दिया है। इधर गृह मंत्री मुजफ्फरपुर आने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। सभा स्थल पर भी सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं।